ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन के ऊपर नई रिपोर्ट, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट, हुकूमत की नाअहली, अपोजिशन के लिए हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश। वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन के ऊपर 2022 की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के करप्शन के अंदर इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का नंबर 126 से लेके 140 तक कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने रीज़न बताई है कि किस वजह से ये रैंकिंग जो है डिक्रीज हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान लैक्स इन रूल ऑफ लॉ। एक ही बड़ी वाइड सी स्टेटमेंट है, बिकॉज उनका ये नहीं कहना कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल करप्शन हो रही है और देर आर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बट दे जस्ट सेड कि द कंट्री लैक्स इन रूल ऑफ लॉ। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करने से पहले हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साजिश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि इसी खित्ते में हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम यूरोप नहीं जाएंगे, हम वेस्ट में नहीं जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे अपने साथ वाले नेबर को, इंडिया को। इंडिया के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अपने वर्ड्स हैं कि दे आर सीरियसली कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन इंडिया। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, बल्कि घट रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं वो भी एक सीरियस रिस्क पे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिछले 2 साल तक फार्मर्स जो थे वो प्रोटेस्ट करते रहे अपने राइट्स के लिए, और उन्होंने सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, उन्होंने प्रोटेस्ट करना नहीं रोका, और गवर्नमेंट को 2 साल लगे उनकी डिमांड्स मानने में। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अभी एक हफ्ते पहले ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये करार दिया कि इंडिया के अंदर रवांडा जैसा जेनोसाइड जो है वो अनकरीब होता नजर आ रहा है, विच मीन्स के माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया। सो इतने ज़्यादा कंसर्न्स होने के बावजूद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया की रैंकिंग गिराने के बजाय उसको अप्रिशिएट किया और उसकी रैंकिंग 86 से बढ़ा के 85 कर दी। तो यहाँ पे हमारा दिमाग ऑब्वियसली ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान का नाम ख़राब किया जाए, और जहाँ पे एक ही खित्ते में एक जगह पे इतनी वायलेशंस हैं और एक जगह पे आप बस एक वेग सी स्टेटमेंट दे गए तो कि देर इज लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, और कोई रीज़न नहीं दे रहे हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, और बल्कि इतने पॉइंट्स आप गिरा रहे हो। तो ये बायसनेस तो साफ जाहिर है, और ये साजिश हो रही है जिसके ऊपर फिर ये भी अगर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ क्या है। अगर बात की जाए 2021 की, तो 2021 में जो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें रूल ऑफ लॉ ख़राब होते में नज़र आई वो थी ऑन गोइंग प्रोटेस्ट जो कि तहरीक लबैक ने और अपोजिशन पार्टीज़ ने डिफरेंट वक्त में पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द पाकिस्तान एहतजाज और प्रोटेस्ट किए, जो कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है। तो अब अगर हम लोग उनको ये प्रोटेस्ट करने से रोकें तो इट इज़ एंटी डेमोक्रेटिक। फिर उसके बाद अगर उन पर ज़बरदस्ती की जाए, पुलिस अगर उनको रोके, तो एक ऑब्वियसली वायलेंट सिचुएशन बन सकती है जिसके ऊपर फिर ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने तो ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं। तो ना हम इस साइड के, ना हम उस साइड के। अब यहाँ पे बात अगर हम करें तो ये कि रूल ऑफ लॉ आप किसको कहते हो और किस तरह से, ज़रा इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को चाहिए कि वो थोड़ा सा एलैबोरेट करें। उसके साथ ही साथ अगर हम अनबायस होकर देखें तो इससे काफ़ी ये भी पता चलता है प्रोटेस्ट से कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डे बाय डे। ये तो हो गई इंटरनेशनल अरीना की बात। इसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इस रिपोर्ट के रिलीज़ होने के बाद सारी अपोजिशन पार्टीज़ को पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज मिल गया। उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट सीधा सीधा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है और पीटीआई हुकूमत के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए। उनका ये कहना है कि पीटीआई हुकूमत का सारा मंशूर ही करप्शन के ऊपर था, और जब वो उनकी हुकूमत और वो उसको लीड करते हुए करप्शन को कम नहीं कर सके, बल्कि इतनी ज़्यादा करप्शन, मतलब 16 पोजिशन
16 नंबर की रैंकिंग जो है एक बड़ा नंबर है और उसके अंदर जब इतना इंक्रीज हुआ है तो हुकूमत को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बात की कि ये रैंकिंग कितनी लेजिट है, ये रैंकिंग कितनी सही है, ये रैंकिंग किस बेसिस पे है, बिकॉज ऑपोजिशन का सारा फोकस तो फाइनेंशियल के ऊपर है। वो सारे ये कह रहे हैं कि ये ना अहल और ईमानदार, वो जो साबिक और अमीन का लकब लेके आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, दे आर सेइंग कि ये ही इज़ नो लॉन्गर साबिक एंड अमीन। तो अब देखने वाली बात ये है कि बिकॉज फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर तो हुकूमत के ऊपर कोई चार्ज आया ही नहीं है, तो हुकूमत को अब क्या स्टेप लेना चाहिए और किस तरह से रूल ऑफ लॉ है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसी के ऊपर अगर हम हुकूमत का पर्सपेक्टिव लें तो हुकूमत ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्रूव करना एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, ओवरनाइट रूल ऑफ लॉ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान एन आइडियल स्टेट, और उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करना ज़रूरी है। सारे के सारे इदारों को और अपोजिशन को मिल के हुकूमत के साथ काम करना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर एक पॉजिटिव इमेज और एक पॉजिटिव नाम क्रिएट किया जा सके पाकिस्तान का।